गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग उसका क्या क्या पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट में एक रिव्यू दे देती हूँ मैं। आज सबसे पहले मैं इसके ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर पॉसिबल क्वेश्चंस कौन से है वो बताऊंगी आपको, साथ में उसकी डेफिनेशन और उसके बाद रीजंस ऑफ एडीआर, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एडीआर जैसे मैं बोल रही हूँ इसका फुल फॉर्म हम क्या बनेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है वो डेफिनेशन के टाइम पे आपको बताती हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस कौन से बनते हैं एमएसबीटी एग्जाम के लिए वो देखते हैं। सबसे पहला है डिफाइन एंड क्लासीफाई एडीआर। ठीक है, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन आता है एडीआर का, उसे हमें गिव दी रीजंस ऑफ एडीआर जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन टेराटोजेनेसिटी और इडियोसिंथेसिस, ये क्लासिफिकेशन का पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर नोट लिखने के लिए आता है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफाइन एडीआर, राइट ड्रग इंड्यूस लीवर डिसऑर्डर्स। ठीक है, उसके अंदर राइट रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, फार्मासिस्ट का क्या रोल है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से ये पॉसिबल क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के ऊपर बनते हैं। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं डेफिनेशन, डिफाइन एडीआर। एडीआर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में वन मार्क के लिए तो डेफिनेशन ही पूछते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। एनी नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग विच अकर्स एट नॉर्मल डोजेस यूज इन ह्यूमंस फॉर द प्रोफाइलेक्सिस डायग्नोसिस थेरेपी ऑफ डिजीज और फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशन। दीज आर द कंडीशन, जब हम यहाँ पर चार डिफरेंट कंडीशन बताइए जब हम मेडिसिन का यूज करते हैं। ठीक है, पहला क्या बताया, प्रोफाइलेक्सिस मतलब कि डिजीज हुआ नहीं है, होने के पहले जो हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, दैट इज प्रोफाइलेक्सिस। डायग्नोसिस मतलब डिजीज हो गया है और उसको डायग्नोज करके जो मेडिसिन दी जा रही है, दैट इज दी मेडिसिन पर्पस जो डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे हैं। थेरेपी ऑफ डिजीज, किसी डिजीज को क्योर करना है, और फॉर दी मॉडिफिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, कोई कंडीशन इम्पेयर्ड है उसको मॉडिफाई करना है, दैट विल बी द फोर्थ कंडीशन। तो ये चार कंडीशन है जब पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है या मेडिकेशन दिया जाता है। नाउ ये मेडिसिन जो है नॉर्मल डोज में ही दी जा रही है, पर इस नॉर्मल डोज में ही पेशेंट को नॉक्सियस और अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड मतलब जिसकी इंटेंशन नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलती है इन दी नॉर्मल डोज। अब पूरे जो पॉइंट्स है सबको जोड़ लेंगे, मीनिंग क्या है, एनी नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग विच अकर्स एट नॉर्मल, नॉर्मल डोज में ही अगर पेशेंट को कुछ और साइड इफेक्ट देखने को मिला तो ये एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन बन जाता है। सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पैरासिटामोल का डोज है 500 mg। ठीक है, 500 mg की एक टेबलेट ली क्रोसिन की, उसका काम क्या है कि जो बॉडी का टेम्परेचर रेज हो गया है या फीवर आ गया है उसको कम करना। उसने उस फीवर को तो कम किया, लेकिन साथ में ही कोई और रिएक्शन दिखा दी। नॉर्मल डोज है 500 mg, फीवर कम हुआ लेकिन एक सामने और एक रिएक्शन दे दी उस ड्रग ने उतने ही डोज में, दैट मीन्स एडीआर। समझ में आ गया, नॉर्मल डोज में आने वाली साइड इफेक्ट उसको हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। डेफिनेशन को समझ लेंगे, बाकी की चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ना एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा है टॉक्सिक साइड इफेक्ट ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग। साइटोटॉक्सिक ड्रग का मतलब होता है कैंसर में यूज की जाने वाली ड्रग्स। ठीक है, तो इस ड्रग का इफेक्ट मेनली क्या होना चाहिए, कैंसर के सेल पर होना चाहिए, जो ट्यूमर फॉर्म कर रही है वो सेल पे होना चाहिए, लेकिन वहां पर इफेक्ट दिखाने के साथ साथ अदर इफेक्ट भी दिखाती है ये ड्रग। जैसे कि पेशेंट को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है ड्रग लेने के बाद, उसके बाल झड़ जाते हैं, ये जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन है कैंसरस ड्रग का या साइटोटॉक्सिक ड्रग का। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, एक्सीडेंटल सेल्फ पॉइजनिंग, जैसे कि नार्कोटिक्स के केस में पेशेंट अपने मन से ड्रग्स ले रहा है, मॉर्फिन ले रहा है, कोडिन ले रहा है, बहुत सारे ड्रग्स ले रहा है, एक्सीडेंटली वो पॉइजन का रूप ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट बहुत सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। तीसरा पॉइंट है प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग एरर। अब इसको समझिए, प्रिस्क्राइबिंग मतलब क्या,
फिजिशियन ने वहां पर लिख के दिया है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को 20 mg का टैबलेट 6 टैबलेट देना है, ये हो गया प्रिस्क्राइबिंग, लेकिन वहां पर जरूरत है सिर्फ 10 mg की या 15 mg की, तो उस केस में भी एरर आ जाएगा। अब डिस्पेंसिंग का एरर समझ लो, डिस्पेंसिंग मतलब कौन कर रहा है, फार्मासिस्ट कर रहा है, फार्मासिस्ट को वहां पर बताया गया है क्लियर कट प्रिस्क्रिप्शन में 10 mg का ही टैबलेट देना है, उसने गलती से 15 mg का टैबलेट दे दिया है, ये क्या हो गया, उसने डोज बढ़ा दिया है और वहां पर एडीआर अराइज हो गया। समझ में आ गया, तो तीन मेन कंडीशन है जहां पर आपको एडीआर देखने को मिल सकता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। नाउ रीजन ऑफ एडीआर, रीजन ऑफ एडीआर का सबसे पहला है डिस्पेंसिंग एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एरर, जो अभी मैंने आपको बताया है, यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, डिस्पेंसिंग एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एरर, एग्जाम्पल है ओवर प्रिस्क्राइबिंग टू द पेशेंट कंटेनिंग पोटेंट एंटीबायोटिक्स। इसमें एग्जाम्पल है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा पोटेंट एंटीबायोटिक्स है, वो उसको दे रहे हैं, ओवर प्रिस्क्राइब कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि एंटीबायोटिक का कोर्स 3 दिन तक लेना है, किसी भी एंटीबायोटिक का मिनिमम 3 दिन का कोर्स होता है। अगर पेशेंट ने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया है कि ये ठीक नहीं हुआ है डिजीज और मैं इसको 1 दिन और बढ़ा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, ओवर प्रिस्क्राइब, ऑलरेडी पोटेंट एंटीबायोटिक थी, उसने अपने मन से 1 दिन और एक्सटेंशन कर लिया, दैट विल लीड टू एडीआर, ठीक है। नाउ उसके बाद है सेल्फ मेडिकेशन बाय पेशेंट लीड्स टू ओवर यूज और मिस यूज। अब फॉर एग्जाम्पल सेल्फ मेडिकेशन का कई बार क्या होता है, घर में किसी को वायरल हुआ था, उसने ये दवाई ली थी, सेकंड डे और भी कोई बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास ना जाते हुए वही प्रिस्क्रिप्शन दिखा दिया, मेडिसिन ला ली, लेना शुरू कर दिया, इसको हम बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन। अब इससे क्या हो गया, अगर उसको वही चीज हुआ होगा, उसको वही तकलीफ हुई होगी जो सेम पर्सन को हुई थी, तो वो ठीक होएगा, अदरवाइज क्या होगा, लीड्स टू एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्या हुआ है, ओवर यूज हुआ है, मिस यूज हुआ है ड्रग का। तो आपको यहां याद रखना है डिस्पेंसिंग एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एरर जो है सबसे पहला रीजन है एडीआर का, ठीक है। नाउ अगला रीजन या नेक्स्ट रीजन पे हम देख रहे हैं फेलियर टू सेट थेरापेटिक एंड पॉइंट। इसको समझ लेंगे, कई बार ऐसा होता है कोई कोई ड्रग जो रहती है बहुत ज्यादा पोटेंट होती है, कम डोज लगता है उसका बहुत, या बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है, पोटेंट मेडिसिन व्हेन अब्यूज्ड और मिसयूज्ड मे कॉज एडवर्स इफेक्ट और इवन डेथ भी कॉज करती है। इसमें ड्रग्स लाइक डिजिटालिस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिजिटालिस ये कार्डियोटॉनिक ड्रग है, ठीक है। अभी जब भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का केस होता है तो डिजिटालिस प्रिस्क्राइब करते हैं, वहां पे कंडीशन है कि जब भी डिजिटालिस दिए जा रहे हैं तो पोटेशियम सॉल्ट के साथ देना मस्ट है। अगर पोटेशियम सॉल्ट के साथ में नहीं दिया तो जितना आपने डिजिटालिस दिया है वही डिजिटालिस काफी है पेशेंट की डेथ कॉज करने के लिए। ये समझ में आ गया, मतलब थेरापेटिक एंड पॉइंट सेट नहीं हुआ, आपने सोचा कि 10 mg या 20 mg डिजायर्ड है, फिजिशियन ने सोचा कि 10 mg या 20 mg डिजायर्ड है, पर उसमें उसको इफेक्ट नहीं मिला, उसकी डेथ हो गई। रीजन क्या था, साथ में एसोसिएटेड जो पोटेशियम सॉल्ट था वो मस्ट था ताकि डिजिटालिस द्वारा अराइज हुआ एडीआर डिमिश हो सके, डिसअपियर हो सके, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड रीजन, फेलियर टू सेट थेरापेटिक एंड पॉइंट। नाउ थर्ड नंबर पे है बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंस। बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी मतलब है जैसे आपने अगर 500 mg क्रोसिन या पैरास्टामोल का एक टैबलेट लिया है, ये आधे घंटे के अंदर काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। मतलब कि जो ड्रग है वो अपने टारगेट साइट पे आधे घंटे के बाद अवेलेबल होने वाली है ताकि वो अपना इफेक्ट शो कर सके, इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। नाउ डिफरेंस इन बायो अवेलेबिलिटी ऑफ टू ब्रांड्स, अगर दो ब्रांड है हमारे पास किसी ड्रग का, ब्रांड ए है और ब्रांड बी है, ये ब्रांड जो है आधे घंटे में अवेलेबल कर पा रहा है और बी ब्रांड जो है वो 15 मिनट में अवेलेबल कर पा रहा है, तो नाउ ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस भी वहां पर मेन रोल प्ले कर सकता है एडीआर को होने के लिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन अराइज हो सकते हैं इन केस ऑफ 15 मिनट्स या इन केस ऑफ 30 मिनट्स, ठीक है, दोनों के केस में हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है डिगॉक्सी एंड फिनेटोइन, ठीक है, इसको आपको समझना है, अलग अलग ब्रांड है। अब ये जो है हम ब्रांड के ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए याद रखेंगे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जेनेरिक्स होते हैं, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि ब्रांडेड जो रहता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जेनेरिक्स, ठीक है, थोड़ा इफेक्ट देर से मिलता है जेनेरिक्स में और इधर जो इफेक्ट फास्ट मिलता है। नाउ फोर्थ नंबर लिखा है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर।
कई बार पेशेंट रिलेटेड फैक्टर भी एडीआर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल एंड डिजीज स्टेटस ऑफ पेशेंट अफेक्ट एडीआर। फिजियोलॉजिकल एंड डिजीज, अगर उसको ऑलरेडी कोई डिजीज होगा तो एडीआर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, जैसे कि किडनी का फंक्शन है, उसका बराबर किडनी काम नहीं कर रही है, लीवर इंपेयरमेंट का प्रॉब्लम है, तो ये ऑलरेडी डिजीज कंडीशन है। इन केसेस में पेशेंट को एडीआर ज्यादा हो सकता है या एडवर्स ड्रग रिएक्शन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के केस में बताया है, वेरी यंग एंड ओल्ड पेशेंट, जैसे कि छोटे बच्चे हैं और ओल्ड पेशेंट है। छोटे बच्चे मतलब जो बहुत ज्यादा छोटे न्यूनेंट्स है, और ओल्ड पेशेंट मतलब कि 60 साल से जो ऊपर वाले होते हैं उसको ओल्ड पेशेंट बोलते हैं। ऐसा होता है कि उम्र के साथ साथ जो ओल्ड पेशेंट्स रहते हैं उनकी किडनी, उनका लीवर धीरे धीरे इम्पेयर होने लगता है, उनको डोज बहुत संभाल के देने पड़ते हैं। 500 एमजी का कोर्सिन अगर उनको दे रहे हैं तो उनके केस में वहां पर एडीआर के चांसेस बनते हैं। और छोटे बच्चों के केस में भी ऐसा ही है, उनकी किडनी लीवर उतने अभी डेवलप नहीं हुए हैं, वो भी बच्चे हैं, छोटे हैं, इस वजह से वहां पर भी डोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आपने डोजिंग का ध्यान नहीं दिया तो एडीआर श्योर शॉट है ही वहां पर। सेम केस है, वेरी यंग एंड ओल्ड पेशेंट्स आर मोर ससेप्टेबल टू एडीआर ड्यू टू डिफरेंस इन एडमिन। क्या बोला मैंने, एडमिन एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म और एक्सक्रीशन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म चारों में डिफरेंस होने की वजह से वेरी यंग पीपल और वेरी ओल्ड पीपल जो है वहां पर एडीआर शो करेंगे। सेम केस यहाँ पर पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में एक सेकंड पैरामीटर आपको मैं बताने जा रही हूँ, सम टाइम इट इज इनहेरिटेड, एग्जाम्पल डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। कई बार ऐसा होता है कि एडीआर जो है वो जेनेटिक होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम डिस्कस करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी पेशेंट में डेफिशिएंसी ऑफ कुछ एंजाइम रहती है, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होने की वजह से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और वो ड्रग जो है वो एडीआर शो करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज देख लिया रीजंस ऑफ एडीआर एंड डेफिनेशन ऑफ एडीआर। ठीक है, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, बायोअवेलेबिलिटी, फेलियर टू सेट थेरापेटिक एंड पॉइंट, डिस्पेंसिंग एंड मेडिकेशन एरर, ये रीजंस का पार्ट हो गया, दो नंबर के लिए, तीन नंबर के लिए एग्जाम में आता है। और डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली कि नॉर्मल डोज में होने वाला साइड इफेक्ट, उसको हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू।